हाय एवरीवन माय नेम में श्यम डंगवाल आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस को डिस्कस करेंगे देन हम कॉनकेव लेंस को डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं बिकॉज ये क्या करता है बीम ऑफ लाइट को एक फोकस पर कन्वर्ज करता है इसके हम थ्री रूल्स डिस्कस करेंगे एंड फाइव केसेस डिस्कस करेंगे सो रूल नंबर वन फॉर कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस इस तरीके से है मान लो ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका राइट right साइड पे जो फोकस बनता है दैट इज सेकेंड फोकस और लेफ्ट साइड पे अगर फोकस बनता है डेट इज फोकस फर्स्ट फोकस जिस लाइन पर ये बन रहा है डेट लाइन इज रेफर टू एज अ प्रिंसिपल एक्सेस ये हमें नोन है अब पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट राइट लाइट जो इस तरीके से पैरल जाती है टूवर्ड्स द पैरल एक्सेस प्रिंसिपल एक्सेस तो होगा क्या वो बेंड होगा टूवर्ड्स द फोकस ये फोकस की तरफ बेंड होता है सो दिस इज रूल नंबर वन सेकेंड रूल इज अगर कोई फोकस से पास होके इंसिडेंट लाइट फॉल करती है कॉन्वेक्स लेंस के सरफेस के ऊपर तो वो क्या होगा पैरेलल रिफ्रेक्टेड रे देगा विच इज पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस तीसरा मान लेते हैं यहां पर क्या है एक ऑप्टिकल सेंटर होता है अगर हम क्या करें कोई इंसिडेंट लाइट करें इस तरीके से विच इज टर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर तो रिफ्रेक्टेड रे जो भी निकलेगी वो भी इस तरीके से निकलेगी इन द सेम पाथ सो इन तीन रूल्स की मदद से हम फाइव केसेस को डिस्कस करेंगे फॉर कॉन्वेक्स लेंस सबसे पहला केस ये है जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड प्लेस होगा ट्वाइस एफ वन तो अभी हमने डिस्कस किया था एफ वन यहां पर होगा एफ टू राइट साइड होगा सो ट्वाइस एफ वन इधर होगा ट्वाइस एफ टू राइट साइड पर होगा क्लियर का का मतलब हुआ F1 का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर डबल हो जाएगा बेसिकली अब यहां पर हमने ऑब्जेक्ट प्लेस करना है बियॉन्ड ट्वाइस एफ वन टाइस एफ वन के पीछे बट इंफिनिटी और ट्वाइस एफ वन के बीच में तो मान लो ये मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया जिसका हेड uh, मान लेते हैं ए है और जो फुट है वो बी है अब रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग ये ऐसे सीधा इंसिडेंट करेगा रे और ये फोकस एफ टू से ऐसे पास कर जाएगा सो दिस इज वॉट रूल नंबर वन नाउ द सेकेंड रूल अगर ऑप्टिकल सेंटर से हम पास करते हैं तो कुछ इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा एंड जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे ध्यान से देखना इस पॉइंट पर जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर ये एक इमेज प्रोड्यूस कर रहे हैं दिस इज वॉट इमेज यहां पर इन्होंने इमेज प्रोड्यूस किया है तो इनवर्टेड इमेज है तो इसका मैं ए डैस बी डैस कह सकता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं इज़ीली जो इमेज जो फॉर्म्ड हुई है दैट इज बिटवीन एफ टू एंड ट्वाइस एफ टू क्लियर आपको यहां पे दिख रहा है ये एफ टू और ट्वाइस एफ टू के बीच में सेकंड इज इट इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है इसका मतलब क्या हुआ बिकॉज इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस और हमको यहां पर उल्टी इमेज देखने के लिए मिल रही है दैट्स वाई इट इज रेफर टू एज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज थर्ड थिंग इज ये डिमिनिश्ड है छोटी इमेज है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट फोर्थ इसका मैग्निफिकेशन जो होगा हम नेगेटिव लेंगे बिकॉज इट इज बिलो प्रिंसिपल एक्सेस अब जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहेगा एज पर साइन कन्वेंशन हम उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव लेंगे तो मैग्निफिकेशन को हम दिखाते हैं द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरीके से हम मैग्निफिकेशन को एक्सप्रेस करते हैं तो यहां पर आपको पता है जो हाइट ऑफ इमेज है वो छोटा है अगर नोमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है दे फोर द मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो लेस देन वन आएगी सो वी विल राइट द मॉड वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन वुड बी लेस देन वन सो ये रहा आपका केस नंबर वन केस नंबर टू डिस्कस करते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है ट्वाइस एफ वन पर प्लेस्ड है तो मान लेते हैं दिस इज ट्वाइस एफ वन यहां पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है लेटस कंसिडर दिस एज ऑब्जेक्ट अब यहां पर इसका हेड और फुट मैं ए और बी से एक्सप्रेस कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर वन ये ऐसा जाके F2 पे ऐसे बेंड होगा क्लियर एंड द सेकेंड थिंग ये ऑप्टिकल सेंटर से भी इस तरीके से पास होगा एंड इट विल मीट एट अ पॉइंट ट्वाइस एफ टू जहां पर यहां पर मीट कर रहा है दिस इज द पॉइंट जहां पर ये मीट कर रहा है एंड दिस पोर्शन इज इमेज एंड अगेन इट फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेज तो मैं इसको बी डेस ए डेस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं So, मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर इमेज जो फॉर्म्ड हुई है वो फॉर्म हुई है एट ट्वाइस एफ टू सेकेंडली आई वुड से इट इज रियल एंड इनवर्टेड इमेज थर्ड द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फोर्थ मैग्निफिकेशन नेगेटिव रहेगा बिकॉज इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बट मैग्निफिकेशन को अगर हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं हेयर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है देयर फोर मैग्निफिकेशन की जो मॉड वैल्यू है दैट इज इक्वल टू वन फॉर दिस पर्टिकुलर केस आई होप दैट इट इज क्लियर फॉर यू नाउ केस नंबर थ्री वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिट्वीन टाइस एफ वन एंड एफ वन ओके नाउ लेट मी क्रिएट अ प्रिंसिपल एक्सेस दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सेस मान लेते हैं दिस इज एफ वन दिस इज ट्वाइस एफ वन दिस इज एफ टू एंड दिस इज ट्वाइस एफ टू ओके नाउ कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया है ट्वाइस एफ वन और एफ वन के बीच में सो हाइट एंड सॉरी हेड एंड फुट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हम ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर ये ऐसे सीधी इंसिडेंट करेगा और ये क्या करेगा यहां से बेंड कराने की कोशिश करेगा टूवर्ड्स द एफ वन या ऐसे एफ वन से बेंड होगा नाउ यहां पे सेंटर पे लेंस के सेंटर पे ऑप्टिकल सेंटर है ये ऑप्टिकल सेंटर से भी पास होगा कुछ इस तरीके से ये इस तरीके से पास होगा और ये ऐसे पीछे आपस में मीट करेंगे एट अ पॉइंट यहां पर ओके यहां पर ये यह मीट करेंगे अब यहां पर मैं इसका बीडेस और एडस लिख सकता हूं तो आप देख सकते हो जो इमेज जो फॉर्म हुई है वो कहां पे फॉर्म हुई है बियॉन्ड टू आइस एफ टू टू एफ टू के पीछे फॉर्म हुई है सेकेंडली ये रियल और इन्वर्टेड है एज यू कैन सी इट इज इनवर्टेड इमेज फॉर्म थर्डली ये मैग्नीफाइड हुई है मैग्नीफाइड का मतलब यहां पर हाइट ऑफ जो इमेज है वो ग्रेटर देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फोर्थली मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी बिकॉज इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बट यहां पर जो मैग्नीफिकेशन जो है ध्यान से देखिएगा जो मैग्नीफिकेशन की मॉड वैल्यू इट विल बी ग्रेटर देन वन

इंसीडेंट हुआ और यहाँ से इस तरीके से F2 पे क्या हुआ ये रिफ्रैक्ट हुआ बेंड हुआ अगर हम यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर प्लॉट करते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से भी ऐसे बेंड हुआ आप देख सकते हैं कि जो ये आगे बढ़ रहा है ये भी आगे बढ़ रहा है बट ये कहीं पर मीट नहीं कर रहे हैं तो मैं इसको एरो इस तरीके से दिखा सकता हूँ तो जो इमेज जो फॉर्म हो रही है इट इज फॉर्मिंग एट इन्फिनिटी हमें नहीं पता कहाँ पे फॉर्म हो रहा है बहुत दूर जाके कहीं पे हो सकता है ये फॉर्म हो बिकॉज ये यहाँ पर हमको कहीं पे मीट करते हुए नहीं दिख रहे हैं सेकेंडली वी कैन से इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड बिकॉज नीचे जो भी फॉर्म होता है वो रियल और इन्वर्टेड ही होता है थर्डली इट विल बी हाईली मैग्नीफाइड बिकॉज जब कहीं पे रेज आपस में ज़्यादा एंगल क्रिएट करेंगे देयर फोर वो हाईली मैग्नीफाइड होगा मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी बिकॉज इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस बट जब मैग्निफाइड होगा तो इसकी जो मॉड वैल्यू होगी वो वन से काफी ज्यादा ग्रेटर होगी आई होप दैट इट इज क्लियर फॉर यू वैस नाउ द केस नंबर फिफ्थ वी आर डिस्कसिंग ऑब्जेक्ट इज प्लेसड एट इन्फेनाइट डिस्टेंस इन्फिनेटी सो लेट इस कंसिडर दिस एज अ प्रिंसिपल एक्सेस नाउ इन्फेनाइट से कोई रे आ रही है मान लो ये इन्फेनाइट से रे आई ये भी इनफेनाइट से कोई रे आई तो ये यहां पे हम एफ वन बोल सकते हैं सॉरी एंड तो ये क्या करता है इसको कन्वर्ज करता है टूवर्ड्स द फोकस तो फोकस पर ये हमको इमेज फॉर्मेशन देगा हेयर इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ओके नाउ वी कैन से दैट इमेज इज फॉर्मड एट एफ टू सेकेंड फोकस पे इमेज बनेगा इट विल बी रियल एंड इनवर्टेड बनेगा थर्ड हाईली डिमिनिश्ड बनेगा बहुत ज्यादा छोटा बनेगा एंड द फोर्थ मैग्निफिकेशन जो होगा नेगेटिव होगा और मैग्निफिकेशन की वैल्यू वन से काफी ज्यादा छोटा होगा बिकॉज इट इज इन जो भी बन रहा है वो हाईली डिमिनिश्ड इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दिस इज वॉट हाईली डिमिनीज इमेज इज बींग फॉर्म्ड हेयर सो यहाँ पर हम ये फाइव केसेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड दीज फाइव केसेज आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और इन केसेस की मदद से हम सेवरल नूमेरिकल पोर्शन को भी अटैम्प्ट कर सकते हैं सो आई होप डेट आपको ये फाइव केसेस समझ में आए होंगे फॉर द केस ऑफ कॉन्वैक्स लेंस और यहाँ पर uh, जितने भी हमने लेंसेस के Uh, ये डिस्कस किए दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल ओके नाउ अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं कॉनकेव लेंस का रूल्स एंड फॉर्मेशन सो हेयर वी हैव कॉनकेव लेंस कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं क्योंकि ये डाइवर्ज करता है स्प्रेड करता है जो भी बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट फॉल करती है टूवर्ड्स द सर्फेस सो इसके हमारे पास थ्री रूल्स हम डिस्कस करेंगे एंड टू केसेस हम डिस्कस करेंगे सो द फर्स्ट रूल इज अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है दिस इज द कॉन्केव लेंस ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज फॉर द बाई कॉन्केव लेंस यहाँ पर मान लेते हैं इसका फोकस एफ टू बनता है इसका जो सेकेंड फोकस बनता है डेट इज टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड और अगर फर्स्ट फोकस हम प्लॉट करें दैट इज टूवर्ड्स द राइट साइड ओके नाउ अगर कोई पैरल रे आ रही है टूवर्ड्स द सरफेस पैरल किसके पैरल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल uh, अगर कोई रे आ रही है तो वो क्या करता है इस तरीके से जैसे अगर हम यहाँ पे डिवीजन बनाए दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ओ तो ये क्या करता है इसे डाइवर्स करेगा ऐसे रिफ्रेक्ट करेगा बेंड करेगा बट अगर हम बैकवर्ड प्लॉट करें तो जो ये रे है ये एफ टू पे मीट करता है, ओके नाउ सेकेंडली अगर हम एफ टू जो एफ वन है एफ वन के ऊपर इस तरीके का रे डालते हैं जो एफ वन के ऊपर पॉइंट करता हो तो ये क्या करता है इट विल बेंड द लाइट जो ये लाइट फॉल कर रही है दिस इज द इंसिडेंट लाइट ये फॉल कर रही है इसको पैरल कर देगा प्रिंसिपल एक्सेस। थर्ड थिंग दिस इज़ प्रिंसिपल एक्सेस एंड दिस इज वॉट द ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज़ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉनकेव लेंस तो ये क्या करता है अगर हम ऑप्टिकल सेंटर के पॉइंट के ऊपर कोई एक इंसिडेंट कराते हैं बीम तो ये उसको सेम पाथ पे रिफ्रैक्ट uh, करा देते हैं सो दिस इज द थर्ड केस थर्ड रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस नाव हम इसके दो केसेज को डिस्कस करेंगे द फर्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट अगर किसी भी पोजिशन पे हो इन्फिनीटी के अलावा एक्सेप्ट इन्फिनिटी सो लेट अस कंसिडर द प्रिसिपल एक्सेज एज फॉलोज नाउ हम यहां पर फोकस एफ टू बोलेंगे दिस इज ट्वाइस एफ टू एफ वन एंड ट्वाइस एफ वन होप सो नाउ अब हम यहां पर किसी भी पोजीशन पर रखते हैं एक्सेप्ट इंफिनिटी तो मान लो मैंने यहां पे रख दिया जो इसका हेड और फुट है वो ए और बी है दिस इज ऑब्जेक्ट अब हम फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर इसे इंसिडेंट कराते हैं लेट मी चेंज द कलर अगर हम इसे ऐसे इंसिडेंट कराते हैं दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ये इंसिडेंट लाइट जाती है तो ये क्या करता है यहां पर डाइवर्स कर देगा और ये पीछे कहां पर मीट करता है एट एफ टू अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं इंसिडेंट कराते हैं तो ये ऑप्टिकल सेंटर से ही रिफ्रैक्ट होता है इन द सेम पाथ तो जहां पर इनका इंटरसेक्शन हो रहा है तो यहीं पे इमेज बनती है तो ये जो बना है दिस इज द इमेज और इमेज जो बना है इसका हम हेड एंड फुट ए डैश और बी डैश रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं इजिली जो इमेज जो फॉर्म हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज फॉर्म्ड ऑन सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट जिस साइड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है उसी साइड इमेज यहां पर फॉर्म हुई है सेकेंडली यह आपको वर्चुअल दिख रही है एंड अपराइट दिख रही है या इरेक्ट बोल सकते हो स्ट्रेट बोल सकते हो जिस अलाइमेंट पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है उसी अलाइनमेंट पर इमेज भी फॉर्म हुई है थर्डली इट इज डिमिनिस्ड छोटी बनी है एज हाइट ऑफ इमेज इज लेस एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट फोर्थली मैग्निफिकेशन की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे बिकॉज इट इज अबव प्रिंसिपल एक्सिस ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हुई है आप देख सकते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस है दिस इसके ऊपर ये फॉर्म हुई है एंड वी कैन राइट द मैग्निफिकेशन एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे अगर एच आई स्मॉल है देन एच ओ नोमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस कर रहे हैं जहां पर नोमेरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है देव फोर द वैल्यू फॉर मैग्निफिकेशन जो आएगा इट विल भी ऑब्वियसली लेस देन वन तो यहाँ पे मॉड वैल्यू फॉर द मैग्नीफिकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर केस इज लेस देन वन नाउ द केस नंबर सेकेंड इज वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फेनाइट डिस्टेंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई इन्फेनाइट डिस्टेंस पर प्लेस्ड है लेटस कंसिडर दिस एज ए प्रिंसिपल एक्सिस अब मान लेते हैं दिस इज दल सेंटर नाव कोई इन्फाइट से ऐसी इंसिडेंट रे आ रही है टूवर्ड्स तो दिस कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस तो आपको पता है कि यह क्या करता है इसको डाइवर्स करेगा और अगर हम बैक इसको प्रोड्यूस करते हैं इट विल मीट एट एफ टू सिमिलरली नीचे वाले को डाइवर्ट करेगा एंड इट विल मीट एट एफ टू सो हम कह सकते हैं जो इमेज जो फॉर्मड हुई है इट इज एट एफ टू एफ टू पे फॉर्म हुई है डेट इज सेकेंड फोकस फॉर कॉनकेव लेंस वर्चुअल बनती है अपराइट बनती है यह हम इसको इरेक्ट बोल सकते हैं स्ट्रेट बोल सकते हैं थर्डली ये बहुत ज्यादा छोटा बनेगा हाईली डिमिनिश्ड बनेगा ओके फोर्थली मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी बिकॉज इट इज अबोव द प्रिंसिपल एक्सेस प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर जो भी होगा एज पर द साइन कन्वेंशन इट विल बी ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव क्वांटिटी और जो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी जब हाईली डिमिनिश्ड है सो इट विल बी ऑब्वियसली लेस देन वन एज हाइट ऑफ जो इमेज फॉर्म हुआ है इट इज वेरी वेरी स्मॉल देन